नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में हिंदू है, यहाँ के मुख्यमंत्री गृहमंत्री हिंदू है, राजनाथ सिंह हिंदू है, मोहन यादव हिंदू है, पर आज हिंदू कैसे खतरे में, मुझे बताओ ना। हिंदू का विरोध करते तो आप हिंदू हो ही नहीं। मुसलमान कभी कभी मुसलमानों का विरोध नहीं करता। कांग्रेस पार्टी ये कहती है जब 70 साल पहले साधुओं को गोली से राम मंदिर में मार दिया गया था, क्या उस समय मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उन पे कोई बात नहीं कर रहा। उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार जब से आई है हर युवा खुश है, हर जनता खुश है, गरीब किसान मजदूर हर लोग खुश है। राहुल गांधी को घूमने से फुर्सत मिलेगी तब तो देश के बारे में सोचेंगे। कभी आंध्र प्रदेश, कभी इधर, कभी उधर घूमने के घूमते ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू सैनी। कहाँ से आए? जबलपुर से आया हूँ मैं, मध्य प्रदेश से जी। तो धर्म की बात तो उन नेता भी करते हैं भाई। धर्म की बात सब करते हैं, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से आप देखिए हिंदू और मुसलमान और सांप्रदायिक ताकतों की बातों पे ही बात पे दंगा हुआ। पिछले 10 सालों में कोई एक मुझे कोई दंगा बता दीजिए। देखिए दंगा नहीं हुआ, लेकिन दंगा जैसे काम किए जा रहे हैं, दंगों को भड़काने वाली बातें किए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब भाई हैं यहाँ पे, सब भाईचारा। किसने मना किया कि भाईचारा नहीं है? नहीं, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन हमेशा आप देखिए टारगेट एक मजहब को किया जा रहा है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू। किसी भाजपा में 10 साल में हिंदू मुसलमान किया? नहीं हुआ। अरे बोलो ना मन की बात। ये कह रहे हैं कि 10 साल में भेदभाव पाया? नहीं, हम तो जबलपुर के भाई साहब, कोई मतभेदभाव नहीं हुआ बिल्कुल। जो ये भी जबलपुर के, मैं भी जबलपुर का हूँ। और हमारे इधर से ना समझ लो भाजपा ही आ रही, मोदी जी आ रहे हैं। 400 बार ये तो कह रहे हैं कि टारगेट करते भाई साहब एक समाज। नहीं, अब उनके विचार, हमारे विचार तो मोदी जी के, उसमें से कभी कोई दंगा नहीं हुआ, न शिवराज मामा के से कोई दंगा नहीं हुआ। भाई साहब को कैसे लगता है अभी दंगा? अब भाई साहब को पता नहीं कैसा लगता, बाकी हम लोग के हिसाब से तो भाई साहब मैं जबर के चुनावी मुद्दों से भटकाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जनता बल्कि जुड़ रही है। हाँ। मोदी जी के समय जनता जुड़ रही है। हाँ, मामा जी, मामा शिवराज मामा है। हाँ। और मोदी जी से बहुत जनता जुड़ गई है। अच्छा। छोटे छोटे बात सबके मुंह में बस गया मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई साहब इस बार सरकार बदल जाएगी? देखिए सरकार बदलना ये सब जनता का काम है ना, है ना, जनता के हाथ में। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे होते हैं चुनाव के, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, विकास के मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन पे कोई बात नहीं कर रहा। उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं होना चाहिए। राम हमारे अंदर भी है, राम हमारे अंदर भी है, शिव भी हमारे अंदर है, सब हमारे अंदर है, लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी का, युवाओं का, विकास का, डेवलपमेंट का। बस ना, जब इतनी जनता परेशान है और मुद्दों से भटक रही है, तो सबके पास आज फोन है, सब जागरूक है, तो अब तो चुनाव का समय आ गया। आप थ्योरी में तो नहीं, अब तो प्रैक्टिकल का समय है, तो जनता बटन दबा के समझा देगी। बिल्कुल, जनता समझाएगी और इसका परिणाम भी 4 जून को दिखेगा। जो बेरोजगार घूम रहा है ना, वो बेरोजगार युवा इसका जवाब देगा। जवाब देगा, बिल्कुल जवाब देगा। निश्चित प्रधानमंत्री बन रहा है 4 जून को, देखिए ये तो जनता तय करेगी। जो जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके लिए कुछ नहीं है, वो 4 तारीख को बता देगी। मोदी को जनता चुन ली है, रिवर्स है, अभी से चुन लिया, अभी से चुन लिया है। तो कह रहे 4 जून को पता लग जाएगा, उस, उनको खुद मालूम पड़ जाएगा ना भैया। 4 जून को कह रहे कि मोदी गए, गए राम ही बताएंगे गए कि नहीं गए। कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे कुछ नहीं है भैया, सब सही है। हाँ। सब सही चल रहा है। राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं। अरे ना कहा भाई, भैया तो उनके नाम भैया मोदी जी जी काम कर रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? आरती सैनी। थोड़ा सा आगे आओ। आरती सैनी। आप कहाँ से आए? जबलपुर। आप भी इन्हीं के साथ में आई हैं? क्या लगता है आपका वोट है कि नहीं? अभी है ना, डाल दिया आपके वहाँ पे वोटिंग हो चुका? हाँ, हो गया है। किस मुद्दे पे आपने अपना वोट किया? आप क्या मानती है देश का फ्यूचर अच्छे से कौन चलाएगा? आप लोगों का कल का फ्यूचर कौन कौन नेता से? मोदी। मोदी जी विकास है देश में, देख रहे हैं पूरा। लेकिन ये भाई साहब आप ही के साथ में आए, ये तो विकास बता दीजिए। आपने विकास का नाम ले लिया, बताइए क्या क्या लगता है? विकास हुए हैं, बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज काफी हुई है, देश में इतना डेवलपमेंट है, टूरिस्ट प्लेस में इतना हुआ है। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के लिए, उससे मोदी ही है। इसलिए आप मोदी को पसंद करते हैं?
यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और वो ज्यादा रोजगार की बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे से नहीं होता भैया, तो अनपढ़ है। पढ़े लिखे तो बहुत कोई होता है, हर कोई थोड़ी ना देश चला सकता है, उसकी खूबियां भी तो होनी चाहिए उसके लिए। तो आपको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार अपना हैट्रिक चांस करेंगे पूरा? बिल्कुल, 400 पार। गांधी कह रहे हैं कि हम रोक देंगे इस बार उनको, 400 पार नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी आएगा। जब तक राजपूतन को संग है राहुल तो आ ना सके, जब तक ठाकुर संग है ना मोदी के, जब तक आ ना सके। यूपी में 60-84 में 84 गाँव है ठाकुरन के, ओम ठाकुर है, 84 गांव ने वोट दिए ठाकुरन ने और पंडित ने 57 गांव ने, कैसे रोक लोगे? कहता हूँ देखो, हमें राम मंदिर चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, हम मंदिर चाहिए सिर्फ, सनातन धर्म चाहिए हमें, सनातन धर्म चाहिए बस हमें। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि रोजगार चाहिए युवाओं को। अरे रोजगार हम पड़े हुए हैं, हमें कहाँ मिल लो है? हमें चाहिए ना खेती बाड़ी कर लेंगे, भीख मांग लेंगे, पर हम चाहिए मंदिर, सनातन धर्म। सनातन धर्म आपको सुरक्षित चाहिए। रोजगार तो मुद्दा है, लेकिन अगर रोजगार में अगर सरकार ने काम नहीं किया, सरकार की बहुत किरकिरी हो सकती थी, लेकिन सरकार ने रोजगार दिया है। लेकिन जो भारत की स्थिति है, इतनी अधिक जनसंख्या है, सघन आबादी भारत, हाँ, इस हर किसी को रोजगार देना संभव ही नहीं है। अगर सरकार रोजगार नहीं देती तो खुद जनता सड़क उतर जाती, सरकार के खिलाफ जो है मार्च करती। लेकिन सरकार ने रोजगार भी दिया है और हर क्षेत्र में काम किया, इस सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे रोड हो, परिवहन हो, हर एक क्षेत्र में काम किया है सरकार ने। तो क्या लगता है आपको 4 जून को क्या होने वाला है? 400 पार नहीं होगा, लेकिन 325 प्लस ही मान के चलिए, 325 प्लस भाजपा ला रही है, पूर्ण बहुमत का सरकार आएगा। हाँ, अगर भाजपा के पास 367 सीट आ जाती है तो 2/3 बहुमत हो जाएगा, कुछ भी कर सकती है फिर भाजपा, फिर संसद में चाहे जो कर सकती है। गठबंधन जीत रहा है ये बोलते हैं एक तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश यादव है, मैं MP से हूँ। लेकिन एक तरफ से ये कहते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, पहले भारत में सुई तक की नहीं बनती थी। अच्छा, आज की डेट में जो इसने बनाया, हाँ सब कुछ, मतलब ये डिजिटल है, सब कांग्रेस की देन है, जिनके अंदर भाजपा की मानसिकता भर दी गई है। अच्छा, राम मंदिर अपन को खाने थोड़ी दे रहा है, लेकिन बने, हम भी हिंदू हैं। बोलो यार। नहीं, अब हिंदू है ना, मंदिर पे ना बोलो यार, हिंदू मुस्लिम कर। राहुल गांधी ने कोई पैसा नहीं दिया उसमें यार। अरे पैसे से, अखिलेश यादव ने कोई पैसा नहीं दिया। नहीं, पैसे से मतलब थोड़ी होता है। तो नहीं है भाई, जब तुमने पैसा नहीं दिया, तुमको युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए युवाओं। काशी में ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इसने लाखों लोग जो है रोजगार दिया है, और इसका डाटा बताता है 600 करोड़ रुपये पिछले साल जो कमाई हुई है। सारे पैसे के देखिए, यहाँ पे लंगर चल रहे हैं यात्रियों के लिए, अलग अलग व्यवस्था डेली, यहाँ पे जो लाखों लोग आ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे आसपास के लोग। अगर यही नहीं आते तो बनारस लोग क्या करते थे? घाट पे नहाते थे, सुबह कचौड़ी जलेबी खाते थे, उसके बाद आराम से सोते थे। आज बनारस का हर एक आदमी काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। कांग्रेस को अभी तक ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि मंदिर से दूरी बनाए? अभी भी मंदिर पे उल्टा सीधा बोलना इनको क्या नुकसानदायक है कि नहीं? बहुत 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 नुकसानदायक है उनके पास, जो 40 पे आगे फिर भी ये लोग समझते नहीं है। जैसे उनकी वोट की जो राजनीति है, वो दिमाग लगा रहे हैं कि जो मुस्लिमों का सारा वोट है 20% हमको मिल जाए, क्योंकि अगर आंकड़ा देखे 30-32% के आसपास जो भाजपा को वोट मिलता है, भाजपा जीत जाती है। कांग्रेस को वोट से अधिक मिलता है, लेकिन सीट अधिक नहीं मिलती, इसे नहीं मिलती है, क्योंकि जो उनकी राजनीति गलत है, उनकी राजनीति जो है गलत है, इसलिए उनको वोट शेयर जो है अधिक तो मिलता है, लेकिन सीट नहीं निकल पाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे, कहाँ से लाएंगे वो सरकार? उनका सिर्फ वादा ही रहता है, कहाँ से देंगे उनके पास इतना रोजगार? हिमाचल में जो है, आप बताइए क्या लगता है आपको? आप युवा है, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी क्यों? क्योंकि इंसान जब अपनी सोच में विकास कर लेगा, ऑलरेडी पूरे देश में विकास हो जाएगा। जब तक हम अपनी सोच में विकास नहीं करेंगे, कहीं विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो अब की बार 400 ही पार होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया, आप क्या बोला ना? जिस दिन विकास इसमें काम हो जाएगा, उस दिन पूरे देश में विकास हो जाएगा। 165 में भाजपा सिमट जाएगी। कौन बोल रहे? भाई बोल रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी जो लोग कहते थे कि राम मंदिर भी कभी नहीं बन पाएगा, आज राम मंदिर भी बन गया, राम जी भी आ गए, तो भाजपा भी आ जाएगी एक समय में। क्या करवा दिया? पप्पू है, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मुसलमानों के पाल के रखा ही जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बात खत्म। न पप्पू आएंगे, न कोई दूसरा आएगा।
कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को अपने झांसे में भी करने के लिए किसी के अंदर कलेजा होना चाहिए। पप्पू क्यों नहीं कर लिया, पप्पू क्यों नहीं बना पाया? दुनिया में 20 मुसलमान देश हैं और केवल पूरी दुनिया में एक केवल हिंदू हिंदू केवल देश है। उसमें भी आप लोग बोल रहे हो कि हिंदू देश ना बने, हिंदू का विरोध करते तो आप हिंदू हो ही नहीं। मुसलमान कभी कभी मुसलमान कभी मुसलमानों का विरोध नहीं करता। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 बार, समझ गए? अब की बार 400 बार, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी वादा कर दिए, गारंटी दे दिए कि मोदी नहीं। उन्होंने कई वादा किए, आलू से सोना बना, मन पाया क्या? नहीं ना, कुछ नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव भी उसी गठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि भाई 140 करोड़ जनता 140 सीटों में मत लड़ाई, बस अब मत लड़ाई। बोल रही है कि 25 रुपए सालाना देंगे हम महिलाओं को, उनकी बहन बोल रही है 1,00,000 रुपए सालाने की, 25 रुपए सालाना बोला था, 25 रुपए हम देंगे सब लोगों को, 25 रुपए में पूरा देश चल जाएगा क्या महिलाओं का? 25 रुपए में क्या होगा बताओ आप? कहाँ गए पप्पू वाले? पप्पू वाले कहाँ गए भाई? 25 रुपए में किस महिला का देश चलेगा? डिबेट मिलाइए भाई को, आइए आगे बुलाइए भाई। 25 रुपए उसकी इंदिरा गांधी जी ने बोला है, भाई को बुलाइए डिबेट में। नहीं बोला इंदिरा गांधी ने, अगर बोला होगा तो तो क्या लगता है मोदी जी क्यों आने चाहिए तीसरी बार? भाई क्यों आने चाहिए? पहली बार मेरा साफ कहना है कि पूरे दुनिया में 20 मुसलमान देश हैं, पूरे दुनिया में 20 मुसलमान देश हैं, सिर्फ एक, हाँ ज्यादा है, सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र देश है। उसमें भी अगर हम लोग हिंदू लोग होकर के अगर अच्छे से खुल के जी नहीं पा रहे हैं तो क्या फायदा है हिंदुत्व का? क्या फायदा है हिंदुत्व का? हम हिंदू होकर के हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या फायदा है देश का बताओ? आज मुसलमानों के हज में कोई हिंदू जा सकता है क्या? तो फिर क्यों हम अपने हिंदू में मुसलमानों को एंट्री दे? अगर आप किसी जगह पे जन्म लिए तो उसका आपको खड़े होने चाहिए उस जगह के लिए। आप अगर किसी जगह सपोर्ट करना ही चाहिए और आप हिंदू हो के हिंदू का सपोर्ट नहीं करते तो हम कहते आप हिंदू हो ही नहीं। हमारे लिए एक ही धर्म है, वो हिंदू। अगर तुम हिंदू नहीं हो तो तुम इस देश के किसी भी काबिल नहीं हो। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया सरकार ने राहुल। हम बता रोजगार क्या, तुम अपाहिज हो क्या? क्यों रोजगार देंगे? तुम्हारे हाथ पैर नहीं क्या? खुद कमाओ, खुद पढ़ो लिखो, रोजगार मिलेगा। जब पढ़ोगे लिखोगे नौकरी मिलेगी। अपाहिज हो क्या जो तुम्हें रोजगार दे? मेरी सुनो, मैं शिवप्रिय से जिला उपाध्यक्ष पिछड़वर कांग्रेस से हूँ और मैं भी खुद पत्रकार हूँ दबंग केसरी अखबार। लेकिन मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है आज। 70 साल से कांग्रेस थी, आज की डेट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हिंदू है। सुनो बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में हिंदू है, यहाँ के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हिंदू है, राजनाथ सिंह हिंदू है, मोहन यादव हिंदू है, पर आज हिंदू कैसे खतरे में? मोदी जी बताओ ना, कैसे खतरे में आज? देखिए एक सेकंड सुनिए। अगर ये कह रहे कांग्रेस पार्टी ये कहती है जब 70 साल पहले साधुओं को गोली से राम मंदिर में मार दिया गया था, क्या उस समय मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी? ये आज सनातन धर्म, स्वामी विवेकानंद जी कहे थे, क्या कहते स्वामी विवेकानंद? कि अगर मैं तुझे एक तमाचा मारता हूँ तो महसूस होता है तो मेरे हिंदू भाइयों पर गोली चलाता है, ये मेरे के सीना छल्ली होता है। ये क्या कांग्रेसी क्या हिंदू नहीं थे? गोली चलाने वाले कांग्रेस हिंदू नहीं थे? आज 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 जो हम लोग जो सनातन धर्म 12-7 साल की अवस्था से जो ब्रह्मचर्य का पालन करके वृंदावन में वास कर रहे हैं, कल के दिन हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे, यही अखिलेश की सरकार में हम लोग की बैनर को उखाड़ दिया जाता था। मनमोहन सिंह डायरेक्ट बोल दिए थे गोली चलवा दो, उसमें हिंदू भाइयों ने कितना मर गया, उस समय हिंदू कहां था? एक समय लिसन टू मी, दूसरा सुनो, वाराणसी कश्यप विद्वानों नगरी, यही बेचू गेट पर विद्वानों को
को मारा जाता था। इधर से राहुल गांधी कहते हैं क्या कि युवाओं को तो केवल युवाओं को तो केवल मदरा और यहाँ के लोग तो भांग खाकर नशे में रहते। क्या कांग्रेस के राज्य में गांजा नहीं बिकता था? कांग्रेस के राज्य में दारू नहीं बिकता था? क्या कांग्रेस के राज्य में लोग नहीं गिरते थे? राहुल गांधी पहले ये बताते कि कौन सा भेद पढ़कर आए हैं, कौन सा जनेऊ लेकर आए हैं, कौन सा वस्त्र। अगर हम वेंटिलेटर पर सोते हैं हमें खून की आवश्यकता है तो राहुल गांधी क्या मुसलमान का खून हमको चढ़ाएंगे? उस पर क्या मोहर लगा है? राहुल गांधी पहले मोहर मार कर आए कि हिंदू है कि मुस्लिम है? ठप्पा दिखाए। जब जब अन्य नहीं पूछता है, एक सेकंड जब अन्य नहीं पूछता है हिंदू मुस्लिम, धरती नहीं पूछता है हिंदू मुस्लिम, जात नहीं पूछता है हिंदू मुस्लिम, तो ये सब विपक्ष नेता है जो लड़वा कर एक चिंगारी तरह से हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर कर ये अपना रोटियां सेकना चाहते हैं और सिंहासन में राज करना चाहते हैं। इस सिंहासन को हिंदू मुस्लिम नहीं तोड़ेगा, इस सिंहासन को हिंदू मुस्लिम नहीं सुन। वो कह रहे कि मोदी जी ने कर दिया भेदभाव पैदा। एक सेकंड, लोग भगवा को कहते हैं, क्या भगवा राम जी नहीं पहने थे? क्या वो बीजेपी के हैं भगवा राम जी? आज लोग भगवा के बारे में कहते हैं, योगी आप बन के देखो, आप अपना घर छोड़ कर देखो, आप तो अपना घर नहीं छोड़ते, बात करते हैं विकास की। अरे ये बताओ रोड बन रहा है तो क्या राहुल गांधी के पोता पोती बना रहे हैं लेबर बन के? आए, कि मनमोहन सिंह के लिए बन के दिखा रहे हैं। आज ट्रेन जो चल रही है बुलेट ट्रेन चल रही है और योजना बन भारत वंदे भारत चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, शौचालय बन रही है। आज जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो स्त्रियां जाती थी खेतों में आज अच्छे से दरवाजा बंद करके चले, तो ये बताइए राहुल गांधी क्या कभी लोटा लेकर गए थे? क्या कभी लोटा लेकर राहुल गांधी के तो इतना नहीं है बस, और कुछ इनको आप थोड़े काम बता दीजिए। अगर जिससे राम खुले उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। तुम अगर हिंदू हो, हिंदू का विरोध करते हो, तुम हिंदू ही नहीं हो, समझ रहे ना? एक राम थे जो अपनी सीट आप देखिए इतना लड़ लिए, एक तुम मुसलमान के लिए इतना लड़ रहे हो। राम कठिन अगर कठिन कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को वो काटने पर थी, ऐसी सुकुमारी कन्या को भरी सभा में लाज शर्म भी नहीं आती है? जब सीता जी संघर्ष कर कर राज में राम जी बैठे प्रजा के नहीं हुए, तो वो राहुल गांधी उस इतिहास को जाकर पढ़े, उस महाभारत के 70 साल। एक बात है, युवा कहता है युवाओं का जोश और बुजुर्गों का सम्मान, कोई मूल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं रस्ते पर, लेकिन राहुल गांधी जैसा कोई इंसान नहीं होता। ठीक ठीक, राहुल गांधी जर्मनी पढ़े, ठीक है, राहुल गांधी जर्मनी और नहीं बन पाया। सोना सुनो आलू का सोना, नहीं नहीं सुनिए, देखिए भैया जो जो लग रहा है मोदी जी पे, देखिए सुनिए, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र हूँ, जो बीएचयू के छात्र, सुनिए जो भाजपा, ठीक 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 ठीक, एक मिनट, आलू का सोना बोल, देखिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र, मेरा नाम दिव्यांशु है। जो भाजपा पर आरोप लग रहा है कि धर्म की राजनीति कर रही है, मैं बता रहा हूँ 7वीं शताब्दी से इस देश पे किसी न किसी कोने पे मुगल जो है मुस्लिम आक्रमणकारी राज कर रहे थे। सारी योजनाएं, सारे विकास के काम मुस्लिमों के लिए हो रहा था। बहुत बड़ा बदलाव किया इस समय। इस समय भारत में अगर किसी भी संस्था के पास सबसे अधिक जमीन है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। आज अगर कोई जो 5-7 साल से 8 साल से अगर कोई पार्टी हिंदुओं के लिए थोड़ा काम कर रही है, ये भी नहीं मुस्लिमों से भेदभाव कर रही है। गोरखपुर के महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ गोरखपुर जो एम्स है वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है कि आप मुस्लिम हैं या आप हिंदू हैं। हाँ, ऐसा नहीं, भाजपा की कोई ऐसी योजना नहीं है जो कहती है हिंदुओं को मिले मुस्लिमों को नहीं मिले। भाजपा पहली गवर्नमेंट थी जो मुस्लिमों छात्रों को पढ़ने के लिए, मुस्लिम छात्रों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। भाजपा पहली सरकार थी, सरकार में आती ही भाजपा ने सबसे पहले काम किया। भाजपा हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। जिस नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है अपने आप को देश से कटा हुआ मजबूत महसूस करते थे, आज वही नॉर्थ ईस्ट के बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय आके पढ़ रहे हैं और अपने यहाँ जाके यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में, काशी के बारे में अच्छा संदेश दे रहे हैं। पहले कहते थे यहाँ के लोग कि नागालैंड के लोग जो है आदमी खाते हैं, आज नागालैंड का एक आदमी तेमजिन एमनालोंग भारत का सबसे पॉपुलर जो है नेता है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पॉपुलर नेता है।
धर्म की राजनीति नहीं हो रही है। 5 साल से 7 साल से अगर कोई पार्टी जो है धर्म के नाम पे जो है थोड़ा बहुत कर रही है, राम मंदिर बना दे, महाकाल कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए ना, हमने भारत के शान है, ओरी कॉरिडोर बना दिए, तो इससे नहीं मतलब है कि जो है मुस्लिमों के खिलाफ जो कर रही है। अगर राम मंदिर बना है तो वहाँ पे मस्जिद के लिए भी जमीन अलॉट की गई है। सबने राम मंदिर में सबने चंदा दिया कि मोदी जी ने नहीं बनाया, सबने चंदा दिया, हमने भी चंदा दिया है। चंदा का क्या मतलब भैया, आप कोई नहीं बोलेगा। देखिए अगर भैया इनकी बात में बता, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अखिलेश यादव ने कितनी ईंटें दी, कितने पैसे दिए, पहले ये बताओ। अखिलेश यादव से मतलब नहीं है हमको, राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया, कितनी ईंटें, कांग्रेस से मतलब है हमको, कांग्रेस से मतलब है, जातिवाद हो जाएगी जो मैं यादव हूँ, जो जातिवाद हो जाएगी अखिलेश यादव में। राहुल गांधी ने कितना उसमें योगदान दिया, राहुल गांधी, राहुल गांधी गया था ना, जाने दिया मंदिर पे, मंदिर प्रदर्शन किया उसने, राम मंदिर में गए के नहीं गए, कौन गए, गए थे ना राम मंदिर, नहीं जाने नहीं दिया उनको राम मंदिर में दिया, वीडियो उठा कर दूंगा, पत्रकार हो आप, पत्रकार हो ना, मंदिर में गए वो ना, मंदिर में गए वो, कौन जाने नहीं, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो मैं बिल्कुल दिखा दूंगा, जाने नहीं, अरे कार्यकर्ता भेज दिए यार, कौन किसने कार्यकर्ता भेज दिए, कांग्रेस ने राम मंदिर से ऐसी दूरी और नफरत कांग्रेस, नहीं नहीं उसने प्रदर्शन 400 से 40 पे आ गया, अभी थोड़ा समझ, नहीं नहीं उसको समझ जाता, नहीं नहीं 400 से 40 था, ठीक है अभी उसको जाने नहीं दिया था, राम मंदिर, राम मंदिर सुनो, ये मैडम मैडम बोल रही है, इनके अंदर क्या है, भक्ति भर दी है, कौन सी भाजपा वाली, सुनो इनने क्या बोला, आलू से सोना निकालने वाली, आलू से सोना, किसके बोले, वीडियो उठा कर देखो ना, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ने क्या बोला, सुनो सुनो सुनो, शांत शांत सुनो 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 सुनो, पहले सुनो, चुप रहो, काम चाहे जो करे, अब तक भी सरकार थी, पहले भी सरकार थी, इस समय जो हिंदू के साथ है हम उसके साथ है, बाकी सब तेल लगा जाए, जय श्री राम, और बाकी जिसको, और जिसको दम है अखंड भारत बनने से पहले रोक ले तो पता चले, और बाकी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, जो हिंदू के साथ है हम उसके साथ है, सरकार चाहे जिसकी, और राहुल गांधी हिंदू के साथ आएंगे हम भी आएंगे, और जो देखो राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाकर भाजपा राम के नाम पे वोट पाना चाहती है, वो भी तो यही कर रहे हैं, वो खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमें खाली सुनो 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 सुनो, सब हिंदू मुस्लिम करे या ना करे, लेकिन हम इस समय हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमें खाली हिंदुओं के साथ रहना है, जो हिंदू के साथ है उसके साथ है, जो मुस्लिम के साथ है वो अपना देखे, राहुल गांधी को हिंदुओं के साथ में नहीं है, नहीं वो बिजन है, जो हिंदू के साथ है उनके साथ इस समय देखा जाए, जो हिंदू के खिलाफ है पाकिस्तान के साथ जाए, पाकिस्तान से चुनाव लड़े, सुनो टाइम नहीं इतना, सुनो राहुल गांधी को घूमने से फुर्सत मिलेगी तब तो देश के बारे में सोचेंगे, कभी आंध्र प्रदेश कभी इधर कभी उधर घूमने के घूमते ही रहते हैं, तब तो अब तो वो 4,000 किलोमीटर का यात्रा किए, क्या हुआ, हुआ क्या, पैदल किए, हुआ क्या, हम भी सुबह से 12 किलोमीटर कर रहे हैं भैया, कुछ सब पैदल किए हैं, 4,000 किलोमीटर पैदल डोले हैं, 4 करोड़ की कार से घूम रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि पैदल घूमे, पैदल 4,000 किलोमीटर आप डोल लोगे, आप चल लोगे 4,000 किलोमीटर पैदल, वो चले, उनकी बहन कह रही है कि राहुल गांधी मेरे भाई और तपस्वी हैं, नहीं से बड़े ब्रह्मचारी, नहीं सुनो, सुबह बिरयानी खाओ, रात को एसी में सो, 2 घंटे चल लो तो हो गया ना, ऐसे करते हैं वो, ऐसा ही करे या ना करे हम तो देख नहीं रहे हैं, पर जो हम बता रहे हैं वो जो मुस्लिम के साथ है, मुस्लिम के साथ जो जैसा रहेगा उसके साथ वैसा ही होगा, यादव भी तो उनके साथ में, आप हमारे साथ रहोगे फल खाओगे, अखिलेश यादव भी तो उनके साथ में गठबंधन में, अब नहीं है ना, अब तो हो गया ना, कांग्रेस का अब हो गया ना, अभी है ना, अब जब बीजेपी जीत जाएगी ना, सुनो 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 सुनो, अब जब बीजेपी हमें सुनो 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 भैया सुनो सुनो, वही मुलायम सिंह की सरकार थी ना, सुनो हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, एसपी की सरकार थी ना मुलायम सिंह यादव की, राम भक्तों पे अयोध्या में गोली चलवाए थे कि नहीं चलवाए थे, कार से गोली कौन चलवाया था, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिए थे, 16 मुलायम सिंह जी ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा बंद करवाई थी 1993 में, उसने क्या भाषण दिया, अब योगी बाबा ने पूजा शुरू करवाई है, अब योगी बाबा के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, और कांग्रेस बोलती है कि भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बिल्डोजर चला
कांग्रेस वाले तो मुस्लिम मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो मोदी है, अभी तो मोदी है, और जब योगी आ जाएंगे तब डंडा पड़ेगा, तब पता चलेगा कैसा लगता है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, सीधे बोल रहे हैं। जो हिंदू के खिलाफ जाएगा चांपा जाएगा, आगे देखा जाएगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जाए तेल लेने, हमें उससे नहीं मतलब है। जो हिंदू के साथ है उसके साथ है बात करते हैं। कांग्रेस की यहाँ पे एक सीटें नहीं निकलेंगी, कांग्रेस और एसपी की यहाँ की एक सीटें नहीं निकलेंगी। आप देख लीजिए 80-80 सीट बीजेपी निकले, ज्यादा वो ऐलान कर दिया कि 1:80 यानी कि 79 सीटें गठबंधन। अखिलेश यादव पहले अपनी सीट कन्नौज की निकाल ले, अपनी सीट, उनकी सीट खुद ही, उनकी सीट खुद ही खतरे में है, वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। डिंपल यादव की सीट हार नहीं गई थी अपने, डिंपल जी अपना सीट खुद ही हार गई थी अगले लोकसभा चुनाव में। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 4 तारीख को, हम बता रहे हैं आपको, जब एसपी बीएसपी मिलकर नहीं हरा पाई भाजपा को, तो कांग्रेस की यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। एसपी कांग्रेस मिलकर कैसे हरा पाएगी भाजपा को? ईडी सीबीआई के सहारे से जीत जाएगी भाजपा। ईडी सीबीआई की रही बात ना, हम आपको बता रहे, हम आपको बता रहे, ईडी सीबीआई बात रही है, बात बता रहे हैं ना। जो सिंधिया जी है जो मध्य प्रदेश के, उनको कर लिया था जिनका, क्या ईडी सीडी हम आपको होता है। रही बात ईडी सीबीआई बता, 2014 से पहले आप जितने केस हुए उससे ज्यादा केस हुए थे कांग्रेस के सरकार पे। कांग्रेस ईडी सीबीआई का केस कांग्रेस पे ही हुआ था, इन्हीं पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई के नेताओं ने भी ईडी सीबीआई का सामना किया। मैं क्या बोलूं भैया, इन लोग को तो पहले इनको ये सोचना चाहिए कि अपन किससे बने हैं, अपन किससे बने, राम से बने ना। राम को कौन लाया? अभी तक तो राम नहीं आए थे, अपन नाम सुने थे ना अपन लोग, राम भगवान थे, लाए कौन है? लेकिन जो बोल रहे हैं ना बेवकूफ है, आज भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। सत्य मान के सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मंदिर के मुद्दे में भटका के भाजपा असल मुद्दों से भटका दे रही है। जब इंसान प्रदेश ही भटका दिया, कमल खिलता है ना, उसमें पीछे जो है ना कीचड़ रहता ना, सेम वही कहानी है। मोदी है कम